नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल इंडिया ट्रैवल गुरु। दोस्तों सबको, आप सभी को पहले से एक बार फिर से नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों ये नवरात्रि मुंबई के लिए बहुत खास है, क्योंकि परसों यानी 5 अक्टूबर को प्रधानमंत्री के द्वारा मेट्रो 3 यानी फुल्ली अंडरग्राउंड एयरपोर्ट लाइन का उद्घाटन हुआ है और आज से पब्लिक के लिए खोल दिया गया है यानी 7 अक्टूबर को। और अभी मैं इस वक्त मौजूद हूँ डीकेसी में और चलिए चल के देखते हैं कि कैसी है अपनी मेट्रो और कैसा है डीकेसी से लेके आर तक का जर्नी, कितने घंटे पूरी होती है, क्या क्या फैसिलिटीज हैं। चलिए मेरे साथ चल के देखते हैं। दोस्तों आप ये देख सकते हैं डीकेसी का ये एक एंट्रेंस है यहाँ पर, दूसरा एंट्रेंस यहाँ पे, तीसरा एंट्रेंस यहाँ पे और फोर्थ एंट्रेंस उस तरफ है, बांद्रा कुर्ला रोड जो ये उसके आगे साइड में। फिलहाल तो वो बंद है, फिलहाल इसका आज ओपन यहाँ पर है, तो चलिए चलते हैं इस तरफ। ये एंट्री नंबर A4 कैनोपी है। दोस्तों इस मॉडर्न लुकी और एलिगेंट कैनोपी में इसमें एस्केलेटर है, स्टेयरकेस है जो कि लगभग 10 मीटर लॉन्ग है। आपको दो बार होके जाना पड़ेगा कॉन्कोर्स एरिया में। सिमिलर फैसिलिटीज आपको बाकी कैनोपीज में भी मिल जाएंगी और साथ में वहाँ पे लिफ्ट का फैसिलिटी भी है। तो दोस्तों हम इस ब्यूटीफुल कैनोपी से यहाँ से इस एंट्री एग्जिट पॉइंट से एंट्री करेंगे। आपको बता दूँ ये पूरा मल्टी मॉडल बेस्ड है यहाँ पर, यानी आपको यहाँ पे हर तरह की फैसिलिटी मिल जाएगी। आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हील चेयर पार्किंग की फैसिलिटी है, साथ में यहाँ पे ऑटो स्टैंड यहाँ पे मिल जाएगा, आपको बस स्टैंड की फैसिलिटी मिल जाएगी। फ्यूचर में इस तरह से हर मेट्रो स्टेशन में फैसिलिटीज होंगी। तो ये है A5 एंट्री एग्जिट पॉइंट। यहाँ पे एक स्टेयरकेस है और एक एस्केलेटर है यहाँ पे, जहाँ से हम चलेंगे अभी इस तरफ से कॉन्कोर्स एरिया में। यहाँ पे आपको जगह जगह पे यहाँ पे CCTV जो कि फेस रिकग्निशन सिस्टम से लैस है, वॉल क्लॉक और यहाँ पे ये वेल लाइट एरिया, फुल्ली ग्रोइंग साइनेज और ये फायर सेफ्टी सिस्टम और साथ में यहाँ पे स्मोक डिटेक्टर की फैसिलिटी। यहाँ पे गाइडेंस के लिए ये स्टील का रेलिंग लगा हुआ है, ये स्टील गाइडेंस टाइल लगा हुआ है। एक बार फिर से हम चलेंगे स्टेयरकेस से। इस तरह के ग्रेनाइट टाइल्स हर मेट्रो स्टेशन के वॉल पे हैं, स्टील रेलिंग्स, ये ऊपर का पैनल एरिया। लेफ्ट में एक्वा लाइन के लिए और सामने आप जा सकते हैं कस्टमर केयर और टिकट ऑफिस।
सामने यहाँ पे टॉयलेट्स है, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज, तो दोस्तों बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में ये लॉन्ग कॉन्कोर्स एरिया है। ये अभी तो आप यहाँ पे टिकटिंग एरिया पे पहुँचेंगे, यहाँ से टिकट लेने के बाद आप कॉन्कोर्स एरिया को एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दूँ, हम इस वक्त लगभग ग्राउंड लेवल से 20 मीटर नीचे हैं, लगभग 300 फुट। राइट साइड में टिकट ऑफिस, सामने कस्टमर केयर और सिक्योरिटी चेक। आप यहाँ पे लगेज स्कैन करा सकते हैं, आप यहाँ इस तरफ, और ये मेटल डिटेक्टर से आपको पास हो सकते हैं, और वहाँ पे आपको AFC गेट्स यानी ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम। तो ये सामने है ये टिकटिंग एरिया, हम यहाँ से आए अभी अंदर। अब यहाँ से एग्जिट भी हो सकते हैं, और एक एग्जिट यहाँ पर भी है, ये A4 एग्जिट और ये A5 एग्जिट। और ये लगेज स्कैनर और ये मेटल डिटेक्टर के यहाँ से, जहाँ से आप पास ऑन हो गए यहाँ पे, ये कस्टमर केयर और ये AFC गेट। कुल मिला के लगभग 1, 2, 3, 4, 5, 6 AFC काउंटर्स यहाँ पे, और ये वास्ट टिकटिंग एरिया। और इस तरह पे आपको देखने को मिलेगी 2 टिकट वेंडिंग मशीन्स, ये टच प्रेस है, ये जहाँ से बाय टिकट कर सकते हैं आप साथ में आप मेट्रो कनेक्ट 3 इस ऐप पे जाकर भी आप टिकट बुक करा सकते हो। उसके लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, टिकट यहाँ से कलेक्ट कर सकते हो। कुछ हेल्प चाहिए तो यहाँ पे बैंक नोट्स, इंसर्ट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और स्मार्ट कार्ड। तो ये टिकट ऑफिस, आप दोस्तों यहाँ से नोट डाल सकते हो यहाँ पर, चलो वापस से करो, कैंसिल करो आप। तो दोस्तों ये वेंडिंग मशीन है, यहाँ से आप टिकट बाय कर सकते हो। आपको दिखाता हूँ, बाय टिकट, सिंगल जर्नी, डेस्टिनेशन RAJVLR, सिंगल जर्नी, कैश, और यहाँ से आप नोट इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आप 100 की नोट डालोगे तो बाकी बैलेंस आपको रिटर्न भी यहाँ से मिल जाएगा, जो कि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। ये आपको डेमो दिखा रहा हूँ, प्रिंट रसीद आ गया टिकट यहाँ पे। तो दोस्तों टिकट ले लिया मैंने, चलिए चलते हैं अब यहाँ से कॉन्कोर्स एरिया, आपको दिखाता हूँ पूरा। उसके बाद प्लेटफॉर्म पे चलेंगे जहाँ पे अपनी एक्वालेंट अपना वेट कर रही है। चलिए Yeah.
मीडिया का भी बहुत ज़बरदस्त जमावड़ा है आज, क्योंकि आज फर्स्ट डे है दोस्तों। आपको मैं फर्स्ट डे राइड दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों एक्वा लाइन में मैं आ गया हूँ मैं, और ये मुंबई की फर्स्ट फुल्ली अंडरग्राउंड एक्वा लाइन यानी मेट्रो 3। तो दोस्तों आपको बता दूं, पहले PhD डोर स्क्रीन बंद होगा, उसके बाद में ये मेट्रो का डोर आप साथ में देख सकते हैं। यहाँ पे आप इमरजेंसी इंटरकॉम सिस्टम है, जिससे आप बटन प्रेस करके और जब तक वो ब्लिंक हो रही है और ग्रीन होने के बाद में आप ड्राइवर से या पायलट से डायरेक्ट बात कर सकते हो, या कैप्टन से, जो भी है। यहाँ तो ड्राइवर लिखा हुआ है। और ये यहाँ पे इंडिकेटर आपको कि कौन सा स्टेशन पर भी ट्रेन है। तो ये दोनों डोर बंद हो चुका है अभी। ये ऊपर हैंडल बार और साथ में ये बीच बीच में पोल है, अगर आपको जर्क लगेगा तो उसकी सेफ्टी के लिए। हालांकि इसमें इतना लगने वाला नहीं है, लेकिन जब ट्रेन स्टार्ट में एक्सीलरेट होती है तो लगता है। तो ये है अपनी मुंबई की एक्वा लाइन, लाइन 3। दोस्तों कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा ये फर्स्ट लुक ऑफ मुंबई की फुल्ली अंडरग्राउंड एक्वा लाइन, लाइन 3 की। BKC से आपको बता रहा हूँ मैं ये। दोस्तों हमारी एक्वा लाइन बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से निकल चुकी है श्रीनगर के लिए। आपको बता दूँ बैंड्रा से लेके नेक्स्ट स्टॉप जो विद्यानगरी या फिर बोले आप बैंड्रा कॉलोनी, वहाँ तक 10 rupees है टिकट फेयर। और अगला स्टॉप सेकंड स्टॉप है जो सेंटा क्रूज, वहाँ तक टिकट फेयर है 20 rupees। उसके बाद में दो स्टेशन और आप जाएंगे तो 30 rupees, और उसके बाद 40 rupees, और आगे जाना तो पूरा 50 rupees। दोस्तों ये कोलाबंद तक ओपन हो जाने का उसका मैक्सिमम टिकट होगा 70 rupees। तो दोस्तों 11:17 पे ये ट्रेन यहाँ से निकली है, देखते हैं ये RSJBLR तक कब तक पहुँचती है। यहाँ पे कुछ मेंशन किया हुआ है, डू नॉट स्टैंड लीनिंग ऑन द डोर, और यहाँ पे डोर पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो इसका ध्यान रखा जाए। बाद में ये बाकी जो मेट्रो ट्रेन जैसा है सेम सीटिंग व्यवस्था है यहाँ पर। तो आपके यहाँ पे स्पेशल मेंशन ये प्राथमिकता सीट वरिष्ठ नागरिकों के लिए, दिव्यांगजनों के लिए और यहाँ पे एक्सपेक्टेंट्स के लिए। तो नेक्स्ट स्टेशन आ गया ये बैंड्रा कॉलोनी। और दोस्तों आपको बता दूं लगभग हम अभी ग्राउंड लेवल से हम लोग लगभग 30-35 feet नीचे हम लोग, यानी लगभग 750 feet नीचे। फिर भी यहाँ पे वेंटिलेशन प्रॉपर है, क्योंकि यहाँ पे
बड़ी बड़ी कंपनियों का मैंने ब्लू स्टार कैरियर और वोल्टास का वेंटिलेशन सिस्टम लगा हुआ है स्टेशन प्लेटफॉर्म पे, और साथ ही ECS सिस्टम यानी एनवायरनमेंट कंट्रोल सिस्टम भी है, जिसकी वजह से आपको जरा भी कोई भी ब्रीदिंग का या कुछ भी कुछ समस्या नहीं आएगी, फुल्ली फ्रेश एयर यहाँ पे है। यहाँ पे व्हील चेयर के लिए अपना स्पेस है, यहाँ पर व्हील चेयर स्पेस। तो दोस्तों ये है सांता क्रूज मेट्रो स्टेशन। तो इंस्ट्रक्शन है, आप सब इसको फॉलो करिएगा। वॉक करते करते हम आ गए लास्ट कोच पे। आपको बता दूं एल्स्ट्रॉम इंडिया कंपनी है जिसने इसको बनाया है, इसको MMRCL के पार्टनरशिप में, और ये टोटल अभी 9 ट्रेन चल रही है यहाँ पर, और जिसमें 8 डिब्बे हैं लगभग, और फ्यूचर में इसको बढ़ाया जाएगा। और आपको बता दूं मेट्रो का जो फ्रीक्वेंसी है ये लगभग एक ट्रेन और के बीच में 6.5 मिनट का फ्रीक्वेंसी है, हो सकता है आगे जाके इसे चेंज किया जाएगा।
तो दोस्तों अभी हम CSMIA T1 पे आ गए हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल 1 पे आ गए हैं। आपको बाहर से व्यू दिखाता हूँ उसको मैं डोर ओपन होने के बाद, लेकिन हम बाहर नहीं जाएंगे, थोड़ा दूर से ही। छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट T1। दोस्तों आपको बता दूं, इस मेट्रो 3 का रूट में पूरा फेज 1, फेज 2, फेज 3 पूरा मिलाकर लगभग 27 स्टेशन है कोलाबा तक। एक बार पूरा बन जाने के बाद ये साउथ मुंबई को आर एस ए फुली कनेक्ट करेगी, क्योंकि मेजर कमर्शियल एरिया मरोल, MIDC, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, इन सबको कनेक्ट करेगी और यहाँ पे इकोनॉमी को भी बूस्ट देगी है, और साथ में हमारे मुंबई कर भाई लोगों को बहुत ही बहुत राहत प्रदान करेगी। इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत लगभग 23,000 करोड़ है, 27 स्टेशंस। अरे करो और दोस्तों यहाँ पे कुछ है सर्टेन इंस्ट्रक्शन, आप देख सकते हैं नो डॉग्स, फुली लेस ऑफ CCTV कैमरा, और आपको लाउड नॉइज या स्पीकर नहीं बजाना है, नो स्मोकिंग्स, और ये नो ईटिंग फूड, और ये सब मैं कहूँगा, लेकिन आज तो पहला दिन है, ठीक है यार, और ये गार्बेज नहीं करना है, पिक पॉकेटिंग से संभाल कर रहिएगा, और ये लाइव इंडिकेटर बता रहा है कि अभी जो करंट स्टेशन है ये एरो दिखा रहा है सहार रोड, लास्ट है ये RS JVLR, ये येलो मार्किंग दिखा रहा है कि अभी हम पहुंच चुके हैं, ये साथ में यहाँ पे दिखाएगा डेट 7 अक्टूबर, टाइम 11:32, 11:17 को निकले थे हम और 11:32 को अभी सहार रोड पहुँचे हैं। इसके बाद T2 आएगा, फिर मरोल, MIDC, सिप्स और आ रही। तो दोस्तों ये है सहार रोड स्टेशन, दोस्तों ये छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट T2 का व्यू, शानदार व्यू। CCTV कैमरा भी है यहाँ पर, स्मोक डिटेक्टर्स, लाइव इंडिकेटर्स, इंस्ट्रक्शंस, इंटरकॉम, ये आपको ट्रेन का व्यू। दोस्तों मोबाइल चार्जिंग पॉइंट यहाँ पे फिलहाल तो मुझे नहीं दिखा है यहाँ पर, तो दोस्तों हम अभी पहुंच चुके हैं मरोल नाका मेट्रो 3 स्टेशन।
और दोस्तों आपको एक खास बात बता दूँ, यहाँ पर फायर सेफ्टी सिस्टम जो यहाँ पे फायर सीट के नीचे यहाँ पर देख सकते हैं, मरोल का थोड़ा स्पेसिफिक डिजाइन है, ये कर्व डिजाइन है, ये आपको टनल निकल जाता है। तो दोस्तों अब ये मेट्रो 3 का MRDC स्टेशन है ये। तो दोस्तों MRDC से निकल चुके हैं हम, अभी नेक्स्ट स्टॉप है सिप्स और उसके बाद फाइनली हमारा डेस्टिनेशन RAJBL है। दोस्तों अगर आप ध्यान देंगे तो ट्रेन का आगे का जो कोच है वो टनल शेप में वो टर्न होता हुआ दिखेगा आपको। सीट्स में क्वेश्चन तो दोस्तों हमारा फाइनल ये डेस्टिनेशन आ रहा है RAJBL। उसके बाद में आपको मैं वहाँ का प्लेटफॉर्म एरिया दिखाने के बाद कौन कौन से एरिया दिखाने के बाद आपको मैं वीडियो में एंड करूँगा। ये व्यू है ये RA कार स्टेट का। RAJBL लास्ट स्टेशन एट ग्रेड स्टेशन यानी ग्राउंड लेवल पे। कोच क्लीनिंग सिस्टम तो दोस्तों फाइनली हम आ गए हैं RAJBL मेट्रो स्टेशन पे और ये RAJBL का प्लेटफॉर्म। दोस्तों RAJBL का ये मेट्रो स्टेशन का ये प्लेटफॉर्म उनको एरिया दिखाने के बाद आपको मैं वीडियो पर ही एंड करूंगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा लगा होगा।
और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताइए कि आपको ये पूरा वीडियो मेट्रो स्टेशन इसका पूरा डिज़ाइन स्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म का पूरा कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।